नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और ये बीकानेर मंडल की विज्ञान की खाली सीट है, इसको आप देख सकते हो। बीकानेर की बीकानेर मंडल में जो स्कूल खाली हैं जिनमें साइंस की पोस्ट है, आपका मंडल चयन होगा उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला ब्लॉक है खाजूवाला, इसमें आप देख सकते हो जो जो सीटें ओपन है, मैं आपको यहाँ से आराम से दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। ये वापस आ गया। इसके बाद आपका जैसे ही फाइनल रिजल्ट जारी होगा उसके जस्ट बाद आपको ये काम करना है। कोलायत, अगर आपको इन सीटों की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से आप सही चयन कर पाओगे और पास में स्कूल मिल जाएगी। पास में स्कूल का सिंपल सी बात है कि आप, कभी कभी ऐसा होता है जिन क्षेत्रों की हमें जानकारी नहीं होती है वो चाहे हमारे पास ही क्यों ना हो, फिर भी हमें वो बहुत ज़्यादा दूर लगते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता इसके बारे में। और कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि पास के स्कूल हमसे छूट गई है हमारी जानकारी के अभाव के कारण, और हमें 20 से 25 किलोमीटर दूर स्कूल मिल जाती है, मतलब तहसील स्तर से। तो इसके लिए मैंने ये जितनी भी खाली सीटें हैं मंडल वाइज उन सबको मैंने यहाँ पर उपलब्ध करवा रखे हैं आपको, तो आप इनको देखें और जो भी समय वो है अपना चयन करें स्कूलों का। यही स्कूल आपकी ओपन होंगी, इसके अंदर महात्मा गांधी स्कूल भी है, तो जो पूरी तरह से अभी इंग्लिश मीडियम नहीं हुए हैं अर्थात अभी वो 8वीं तक ही इंग्लिश मीडियम हुए हैं, उनमें भी आपका चयन, आपको सेलेक्ट स्कूल हो सकती है। इसके अलावा आपको जो 8वीं तक की स्कूल है इनके अंदर भी आपका चयन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 8वीं तक की स्कूल आपको नहीं मिलेगी, वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको जैसे चयन करेंगे आप 8वीं तक की स्कूल, वहाँ पर आपको HM का पद मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी जिम्मेदारी है, अगर आप शुरू से एक अच्छे नेतृत्व वाली जिम्मेदारी निभाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे चल करके आपको प्रिंसिपल, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर सारी जिम्मेदारियाँ निर्वहन करनी होती हैं। तो निश्चित रूप से शुरू में थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है, गंगानगर है अनूपगढ़, शुरू में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है लेकिन बाद में आपको निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं आएगी। और जब तक आपकी जॉइनिंग होती है तब तक आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहें, और टेलीग्राम एक ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर लगभग 670 टोटल जुड़ चुके हैं, तो उनमें आपको ऐड होना है ताकि कोई भी नई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले वहाँ पर उपलब्ध हो। और वहाँ पर बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो जिनको भी, जिनके पास भी जो सूचना आती है वो तुरंत वहाँ पर ग्रुप पे शेयर करते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, RPA से रिलेटेड हो या फिर DV से रिलेटेड हो या फिर किसी प्रमाण पत्र से रिलेटेड हो, कोई भी अखबार की कटिंग हो, ऐसे भी आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी सूचनाएं हैं वो आपको मिलती है। ये सूरतगढ़ है गंगानगर का, इसमें आप जो जो सीटें खाली हैं साइंस की वो आप देख सकते हो। इन सीटों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। विजयनगर में देखें आप कितनी सीटें हैं, 8 सीटें। बीकानेर ब्लॉक में काफ़ी सीटें खाली हैं और उसमें बीकानेर मंडल में ज़्यादा है, खुद बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, तो जिनका बीकानेर जिला है निश्चित रूप से उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो इसलिए। और हनुमानगढ़ देखो, हनुमानगढ़ ब्लॉक में भी कितनी सीटें हैं खाली, यहाँ पर 9 सीटें खाली है। इसके अलावा नोहर है, हनुमानगढ़ में नोहर तहसील, तो यहाँ पर जो खाली सीटें हैं वो आप देखें, 12 सीटें यहाँ पर खाली हैं। आगे है पीलीबंगा में देखें आप, 1, 2, 7 स्कूलें ओपन हैं जहाँ पर साइंस की सीट खाली है। रावतसर हनुमानगढ़, इसमें भी आप देख सकते हो कितनी सीटें हैं यहाँ पर टोटल। और ये है सांगरिया में भी आप देख सकते हो 4-5 स्कूलें हैं। और टिब्बी में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, टिब्बी में ये स्कूलें ओपन हैं। तो ये पूरे बीकानेर ब्लॉक की मैंने आपको कंप्लीट दिखा दी है, इन्हें आप देखें अच्छे से और अपने स्कूल का चयन करें। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। और जैसे ही आपको
उसकी अपडेट मिलेगी काउंसलिंग की, काउंसलिंग की मतलब मंडल चूज करने की, वो आपको तुरंत अपडेट करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।